साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी। चलिए रुक करते हैं 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, बोले प्रयागराज कुंभ से पहले पूरा कराएंगे गंगा एक्सप्रेसवे का काम। यूपी में भाजपा की नई टीम का ऐलान, सरकार में मौजूद चार मंत्री संगठन से अलग, डॉक्टर त्रियंबक त्रिपाठी को प्रदेश संगठन में बनाया गया उपाध्यक्ष। यूपी में 63,000 से ज्यादा अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन, 2,819 करोड़ की संपत्ति जब्त। भाजपा प्रदेश टीम में कानपुर के पांच नाम, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष बने प्रकाश पाल, संगठन में बड़ा कानपुर का कद। सांसद शफीकुर रहमान ने सरकार के बुलडोजर नीति पर उठाए सवाल, बोले पूरा हिंदुस्तान जानता है कि योगी ने क्या काम किया है। सीएम योगी पर सपा प्रमुख अखिलेश का हमला, सरकार हर मोर्चे पर फेल, सीएम पर खुद मुकदमे दर्ज है, जारी हो टॉप 10 माफियाओं की सूची। वन विभाग ने सारस के दोस्त आरिफ को भेजा नोटिस, बयान दर्ज करने के लिए कार्यालय बुलाया। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर हरदोई में बोले, यूपी में सपा की नहीं तालिबानियों की चलती थी सरकार। योगी 2.0 के पहले वर्ष में गोरखपुर को मिली 12,000 करोड़ की सौगात, नागरिक सुविधाओं का हो रहा है विकास। बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी ने कांग्रेस पर किया वार, कहा कानून कांग्रेस की सरकार में ही बनाया था। मुरादाबाद में तरावी की नमाज को लेकर हंगामा, बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा घर में सामूहिक नमाज पढ़कर डाली गई परंपरा। ललितपुर में ट्रक ने बाइक को रौंदा, हादसे में 3 युवकों की मौत, बाइक सवार को 2 किलोमीटर तक घसीटा। रेप की फर्जी एफआईआर कराने वाले गैंग की तलाश, सीबीआई लखनऊ ने कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया मुकदमा, प्रयागराज में चल रहा है गैंग। प्रेमी संग बेटा बेटी की हत्या करने वाली मां को जेल, मेरठ में गंग नहर में दिनभर चला बेटी के लाश की तलाश, बेटे के शव को दफनाया। कानपुर जू पहुंचा आरिफ का दोस्त सारस, 15 दिन क्वारंटीन रहेगा, डॉक्टर बोले काफी परेशान है, वन विभाग ने आरिफ को नोटिस भेजा। छात्र को अश्लील वीडियो भेजने वाला सिपाही सस्पेंड, इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनाकर कर रहा था परेशान, जेल जाने के बाद एसएसपी ने की कार्रवाई। ग्रामीण ने लगाया मकान बिकाऊ है के पोस्ट, और अलीगढ़ में दो पक्षों में हुआ था विवाद, जांच में जुटी पुलिस। लखीमपुर खीरी में ओवरलोड मैजिक और कार में भिड़ंत, हादसे में 10 लोग घायल, पीलीभीत बस्ती मार्ग पर हुआ हादसा। देवरिया में सोशल मीडिया पर प्यार फिर गर्भपात, प्रेमिका का आरोप, कहा प्रेमी ने 6 साल तक किया शारीरिक शोषण। बिजनौर में एक किसान के बुग्गे के नीचे दबकर मौत, परिजनों में मचा कोहराम, जानवरों के लिए चारा लेने गया था किसान।
मेरठ में ईंट से कुचलकर चाचा की हत्या, कहासुनी के बाद चाचा ने फोन फेंका, गुस्साए युवक ने कई बार ईंट से मारा। इटावा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एक बदमाश घायल, गिरफ्तार, दो तमंचे, 5 कारतूस समेत मंगलसूत्र बरामद। एसएसपी ने पूर्वा थाने में विवेचकों के साथ की बैठक, लंबित विवेचनाओं को लेकर एसएसपी ने किया अर्दलीय रूम निस्तारण के आदेश। बरेली सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत, बारिश की वजह से मार्ग पर बाइक फिसली, तभी पीछे से आ रहे वाहन ने कुचला। मुरादाबाद पहुंचे कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद, योगी सरकार 2.0 का 1 साल पूरे होने पर गिनाए विकास कार्य और उपलब्धियां। इटावा में महिला सशक्तिकरण रैली का हुआ भव्य स्वागत, पुलिस कर्मियों ने पुष्प वर्षा कर पहनाया माला, गौतम बुद्ध नगर में होगा रैली का समापन। आजमगढ़ में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने लगाया जहर देकर मारने का आरोप, जांच में जुटे पुलिस। तमंचे पर डिस्को करने वाला युवक पहुंचा हवालात, मुरादाबाद में शादी समारोह में तमंचे पर डिस्को का वीडियो हुआ था वायरल। मुरादाबाद में पूर्व ब्लॉक प्रमुख गिरफ्तार, ग्रामीण के अपहरण के मामले में पुलिस ने ललित कौशिक को किया गिरफ्तार। बीएचयू ने 2 छात्रों को किया विश्वविद्यालय से बाहर, कुलपति की कार पर चढ़कर हंगामा और प्रोफेसर से छेड़खानी करने पर हुआ एक्शन। लखनऊ के मोहनलालगंज में बनेगा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, एलडीए के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई सिटी लॉजिस्टिक पार्क बनाने के प्लान। लखनऊ में अवैध प्लॉटिंग पर एलडीए की कार्रवाई जारी, दुबग्गा में अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर, हुसैनगंज में भी अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। कानपुर के प्राणी उद्यान भेजा गया आरिफ का दोस्त सारस, प्राणी उद्यान में 15 दिनों के लिए सारस को रखा गया सबसे अलग। आगरा में साइबर फ्रॉड के अंतर्राष्ट्रीय मामले का हुआ खुलासा, अमेरिका में फ्रॉड करते थे साइबर ठग। अलीगढ़ में युवक को दबंगों ने पीटा, दबंगों के खौफ से पलायन को मजदूर लोग, 10 परिवार पहले भी कर चुके हैं पलायन। बुलंदशहर में महिला ने मंत्री के सामने लगाई न्याय की गुहार, महिला के पति पर लगा है छेड़खानी का आरोप, महिला ने आरोपों को बताया झूठा। गाजियाबाद में मामूली कहासुनी पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, पुलिस ने वांछित 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हरदोई में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रायबरेली के रेलवे ट्रैक पर मिला घायल युवक, पुलिस ने युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। लखनऊ में चढ़ेगा आईपीएल का खुमार, लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ी निकालेंगे रोड शो, बाइक रैली के साथ एक खुली बस में नजर आएंगे सभी खिलाड़ी। कन्नौज के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में मिला दिव्यांग का शव, ईंट से सिर कुचलकर हत्या करने की जताई जा रही आशंका।
चंदौली में पुलिस सेल्स टैक्स और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई चेकिंग के दौरान 363 पेटी अवैध शराब बरामद। अंधेरे का फायदा उठाकर ट्रक चालक फरार। कानपुर महिला कैदी निकली कोरोना पॉजिटिव, इलाज के लिए उर्सला अस्पताल पहुंची थी कैदी महिला को हैलेट हॉस्पिटल किया गया रेफर। जालौन में यमुना में युवती ने लगाई छलांग, मछुआरों ने बचाई जान, गंभीर हालत में औरैया जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुजफ्फरनगर में 4 साल के बच्चे का हुआ अपहरण, घर के बाहर खेल रहा था बच्चा, पिता बोले बच्चा मंद बुद्धि है, पिछले साल चली गई थी आवाज। राजूपाल हत्याकांड के फरार शूटर की ससुराल पर चलेगा बुलडोजर, नायब तहसीलदार बोले पुलिस की मौजूदगी में 5 घरों की हुई पैमाइश। ग्रेटर नोएडा में कोरोना संक्रमण ने पकड़ी रफ्तार, 24 घंटे में मिले 12 नए कोरोना संक्रमित केस, 10 दिन में हुई मरीजों की संख्या दोगुनी। कानपुर में पुलिस कमिश्नरेट के 2 साल पूरे, पुलिस लाइन में कार्यक्रम आयोजित, सांसद बोले शहर में अपराध बहुत कम हुआ। वाराणसी में दिशा एजुकेशन और हेल्थ सोसाइटी का कार्यक्रम, स्कूली बच्चों ने रामचरितमानस का किया पाठ। सोनभद्र में अराजक तत्वों ने बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पोती कालिक, वही घटना के बाद ग्रामीणों ने किया हंगामा, पुलिस ने साफ कराई मूर्ति, दिया कार्रवाई का आश्वासन। आगरा में स्कूलों की मनमानी से परिजन परेशान, किताब नहीं पूरा बैग लेना पड़ेगा, नर्सरी की किताब के दाम इंजीनियरिंग बुक के बराबर। उन्नाव में अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा थाने, प्रत्येक भूमि पर हुए कब्जे को मुक्त कराने की मांग सौंपा ज्ञापन। सीतापुर में सड़क हादसे में